हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप स्किन केयर फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्किन टाइटनिंग एंटी एजिंग फेस पैक DIY। ये बनाना बहुत ही ईजी है गाइस, और इसका जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो है उड़द दाल। गाइस, उड़द दाल में ऐसे मिनरल्स होते हैं ना जो अपनी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाता है, और ग्लोइंग बनाने के साथ अपने स्किन पे जो एंटी एजिंग के इफेक्ट दिखते हैं जैसे फाइन लाइंस, रिंकल्स, इसको भी कम करने में बहुत हेल्प करता है, और अपनी पोर्स को श्रिंक करने में, पोर्स को क्लीन करने में, और गाइस आपकी जो भी स्किन में टैनिंग है ना उसे भी निकालने में बहुत हेल्प करेगा। और टैनिंग ही नहीं गाइस, टैनिंग निकालने के साथ ये आपकी स्किन में न्यू स्किन भी रीजेनरेट करेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल लगेगी। सो उड़द दाल एक बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग का काम करता है। बट ये DIY शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्किन टाइटनिंग के लिए, और वो है फेस एक्सरसाइजेस। गाइस, आप कितने भी DIY कीजिए या तो फिर कितने भी महंगे महंगे क्रीम्स लाइए मार्केट से, अगर जब तक आप लोग फेस एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, तब तक ही आपको जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे, आप कितने भी पैसे खर्चा कर लो। क्योंकि हम लोग जब भी ना एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी के लिए, तभी हम लोग देखते हैं कि कितना टोन करता है एक्सरसाइज अपनी बॉडी को, कितना फिट रखता है। तो गाइस, जैसे बॉडी को जरूरत है एक्सरसाइज की, वैसे ही फेस को भी बहुत जरूरत है एक्सरसाइज की। मैंने ऑलरेडी 2-3 जो बेसिक फेस एक्सरसाइजेस है ना, इस वाले वीडियो में जो गोंद स्किन टाइटनिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, उसमें मैंने शेयर किया है। आप बेसिक एक्सरसाइजेस वो कर सकते हो, और उसके साथ मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज शेयर करने वाली हूँ, वो है आइस मसाज। गाइस, अपने फेस पे आइस मसाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, अपनी स्किन, अपनी बॉडी एक नॉर्मल रूटीन से चलती है, बट जब भी हम लोग यू नो ऐसे आइस लगाते हैं तो क्या होता है, एकदम से शॉक लगता है अपनी स्किन को। तो क्या होता है, वो शॉक में वो बहुत फटाफट और बहुत अच्छे से काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, जिसके वजह से जो भी फाइन लाइंस है उसको मतलब एलिमिनेट या कम करने में बहुत हद तक हेल्प करता है, और जो भी आपके पोर्स है ना उसको भी श्रिंक करने में बहुत हेल्प करता है। तो नॉर्मल आपको बस एक आइस लेना है और उसको अपने फेस पे ऐसे मसाज करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मतलब बस क्लीन होना चाहिए आपका फेस, फेस को वॉश कर लीजिए और पहले एक आइस उस पर रब कर लीजिए। अगर यू नो आपको ऐसे डर लग रहा है कि आइस बर्न्स हो सकते हैं, तो बस एक हल्के से अपने रुमाल में वगैरह लपेट के उसको मसाज के लिए आप यूज कर सकते हैं। और गाइस, मैं ग्रीन टी आइस क्यूब लगाती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, एंटी एजिंग के जैसे भी वो काम करता है, और पिंपल्स को भी कम करने में काम करता है, और जो पोर्स है उसको भी श्रिंक करने में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि वो एक एंटी बैक्टीरियल के जैसे काम करता है। इसलिए जो भी पिंपल्स का प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप ग्रीन टी आइस क्यूब लगाओगे। तो ग्रीन टी आइस क्यूब भी कैसे बनाना है ना, उसका भी मैंने वीडियो शेयर किया है, आप लोग वो भी बना सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है ग्रीन टी आइस क्यूब बनाने का, तो प्लीज गाइस सिर्फ एक नॉर्मल आइस भी आप रब करोगे ना आपके फेस पे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आइस रोज आपके फेस पे रब करना है आपको, और उसके बाद ये वाला DIY करना है। आपको बस क्या करना है ना, उड़द दाल जो है उसको अच्छे से मिक्सर में डाल के पाउडर बना लेना है, दैट्स इट। कुछ वॉश करने की जरूरत नहीं है, सुखाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, जैसा है उड़द दाल वैसे आपको मिक्सर में डालना है और उसको फाइन पाउडर बना लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। और ये है मेरा उड़द दाल का पाउडर गाइस, ये मैंने 1 स्पून उड़द दाल का पाउडर लिया है और 1 स्पून कर्ड लिया है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने फेस पे लगाइए, नीचे से ऊपर वाले डायरेक्शन में अच्छे से अपने स्किन पे लगाइए, और इसे सेमी ड्राई होने तक रखिए। सो मैंने आपको बेनिफिट्स तो अच्छे से बताए दिए हैं कि उड़द दाल कितना बेनिफिशियल है अपने स्किन के लिए, और ये जो भी मैं DIY शेयर करती हूँ गाइज, ये सब प्रोफेशनल लेवल DIYs है, बहुत सारे क्लाइंट्स पे ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इसके, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी जो फ्रेंड है प्रवीणा, उसके साथ मिलकर ये आपके लिए DIYs लेके आती हूँ। तो अब मेरा पैक सेमी ड्राई हो गया है, लगभग 5-7 मिनट में सेमी ड्राई हो गया। अभी आपको एकदम ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेना है, दैट्स इट गाइज। इतना इजी है ये फेस पैक DIY, जो एकदम एंटी एजिंग के जैसे भी काम करेगा और बहुत ही अच्छा ग्लो भी देगा। मैं ऐसे शॉर्ट शॉर्ट ही ना छोटे छोटे DIYs आपके लिए लेके आऊंगी आने वाले वीक्स में, जो आपके स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लो भी देगा, और अगर आप कितने भी बिजी हो तो भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो इतने छोटे छोटे DIYs करने के लिए, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मैं एवरी ट्यूसडे और सैटरडे को न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ मेकअप स्किन केयर और फैशन रिलेटेड। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय एंड टेक केयर।